हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मोनिका पटेल, आप सबकी दोस्त। आज मैं लाई हूँ एक नई रेसिपी जो कि है फ्लावर पीस कढ़ाई तड़का। आइए देखते हैं क्या करना है। हाय फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे फ्लावर और पीस की सब्जी। आइए देखते हैं कि उसमें क्या करना है। पहले कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे। उसके गरम होने पर हम उसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड कर रहे हैं। अब जीरा क्रैक होने के बाद हम उसमें ये सारी चीज़ें डालेंगे। लीला लहसुन यानी कि ग्रीन गार्लिक, ग्रीन चिलीज, कोथमीर, कड़ी पत्ता और टमाटर। सबसे पहले इसमें हमने कड़ी पत्ता और लहसुन ऐड किया है। ओके, अब उसमें हम ग्रीन चिलीज ऐड कर रहे हैं। तो सॉटे करने के बाद अब हम इसमें कटा हुआ टमाटर ऐड कर रहे हैं। अब इसे सॉटे होते होते हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये मैं डाल रही हूँ नमक, स्वाद अनुसार 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और 3/4 टीस्पून एज पर योर टेस्ट। अब मैं उसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, धाणा जीरा। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर फ्लावर और पीस वॉश करके रेडी रखे हैं, वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। हम इस पर थोड़ा वाटर ऐड करेंगे, पानी, जो कि उसको कुक करने में हेल्प करेगा। और मैं यहाँ पे थोड़ी धनिया पत्ती ना डाल रही हूँ, कोरिएंडर लीव्स, धनिया, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे मिक्स कर दिया है। अब हम इसे ढक देंगे और इसको हम मीडियम गैस पर, मीडियम फ्लेम पर हम कुक करेंगे। सो गाइस, ये आपकी रेसिपी कुक हो रही है और जल्द ही हम इसकी फाइनल डिश आपको बताएंगे। सो फ्रेंड्स, ये रेडी है हमारी फ्लावर पीस कढ़ाई तड़का। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।